तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। सुनील छेत्री ने रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर लाइक थोड़ा सा नजर घुमाया है, एंड वो हम लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सुनील छेत्री ने बोला है कि देखो, जो ओसीआई प्लेयर्स है, जो ओवरसीज रीजन्स ऑफ इंडिया है, जो कि लाइक इंग्लैंड में काफी सारे प्लेयर्स है, फिर बाहर के बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में काफी सारे प्लेयर्स है, उनको अलाउ करना कोई प्रॉब्लम नहीं इंडियन प्लेयर्स के लिए। एंड अगर उनको अलाउ किया जाता है तो वो लोग, अगर वो लोग रेडी है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए वो खेले, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर लाइक यू नो, वो एक सडन डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं होगा, जो कि काफी ज्यादा सही बात है। क्योंकि ओसीआई प्लेयर्स तो खैर मान लो एक लाइक नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए तो ओसीआई प्लेयर्स खेल देंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद अगर नॉर्मली फुटबॉल डेवलप नहीं होगा तब ओसीआई प्लेयर्स बस वो एक शॉर्ट टर्म के लिए फुटबॉल ग्रो होगा इंडिया में, उसके बाद फिर वो बैक टू स्क्वायर वन। तो ऐसा डेवलपमेंट से अच्छा कि जो ग्राउंड लेवल में डेवलपमेंट है उसको और बढ़ाया जाए, ग्राउंड लेवल में फुटबॉल को और अच्छे से डेवलप किया जाए, यंग प्लेयर्स को और अच्छे से अपॉर्चुनिटीज मिले, उनके ट्रेनिंग, उनके डाइट के ऊपर ज्यादा खर्चा हो। क्योंकि सी अगेन, फुटबॉल अभी भी ज्यादातर जो प्लेयर्स है वो लोग कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं बिलोंग करते, फुटबॉल डाइट बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो लाइक यू नो, इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, ग्रास रूट डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि मैं सुनील छेत्री के स्टेटमेंट से लाइक बहुत ही ज्यादा एग्री करता हूँ कि यार हाँ, ओसीआई प्लेयर्स शायद शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर ग्रास रूट डेवलपमेंट नहीं होगा फुटबॉल का इंडिया में, तब कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो लाइक सुनील छेत्री ने भी यही बोला है कि हम लोग को ग्रास रूट डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, रैदर देन सिर्फ लाइक यू नो ओसीआई प्लेयर्स को इंडिया में लाने से, वो ज्यादा बेहतर होगा, जो कि नो डाउट एक काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा लाइक यू नो इंडिया के लिए, कि वो ग्रास रूट फुटबॉल को और अच्छे से डेवलप करे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड सुनील छेत्री ने भी ये भी बोला कि अगर इंडिया को टॉप 10 में, एशिया के टॉप 10 में आना है, तो उनसे भी ज्यादा बेहतर प्लेयर्स चाहिए होगा टीम में, जो कि अगर उनके लेवल का भी प्लेयर अभी होता है तो फिर भी इंडिया आराम से टॉप 10 में आ जाएगा। कि लाइक यू नो सी, टीम स्ट्रांग है, एंड ये उन्होंने बोला है सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। एंड यू नो, नो डाउट है सुनील छेत्री बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास प्लेयर्स है, उनके आसपास भी प्लेयर्स का होना, उनके उनके आसपास के लेवल का प्लेयर्स का मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर प्रॉपर वे में डेवलपमेंट होता है तो क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं उम्मीद कर सकते कि इंडिया से एक और सुनील छेत्री या फिर उससे भी, उनसे भी बेहतर प्लेयर्स आ सकते हैं। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने सारे यंग प्लेयर है, यूथ प्लेयर्स, इतने टैलेंटेड यंग प्लेयर्स है इंडिया के पास, कि लाइक मैं बता के समझा रहा, बहुत टैलेंटेड यंग प्लेयर्स है, बस उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता, उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि सी फुटबॉल सिर्फ कोई बहुत इजी गेम नहीं है, मैं मानता हूँ कि ज्यादातर जो फुटबॉलर्स, उनके पास वो फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे फुटबॉलर्स को बहुत ही कम एज में छोड़ना पड़ता है। बट नो डाउट सुनील छेत्री ने काफी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर थोड़ा सा यू नो लाइट फेंका है कि हाँ, सिर्फ ओसीआई प्लेयर्स करने से, ओसीआई प्लेयर्स के अलावा करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको यंग प्लेयर्स को सपोर्ट करना होगा, जो कि जो ऑलरेडी इंडिया में, रैदर देन फोकसिंग ऑन ओसीआई प्लेयर्स। सो इस चीज को लेकर आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, एंड इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करो बीच में, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत, एंड मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।